आदि बेटा चलो उठो, कब तक सोए रहोगे? क्या मम्मी संडे को भी सोने नहीं दीजिएगा क्या? कहाँ खोए रहते हो, संडे नहीं मंडे है आज। इतना जल्दी मंडे आ गया, पिछले हफ्ते ही तो गया था। नाटक बंद करो और जल्दी से उठ जाओ। उफ, ये सुबह सुबह बारिश शुरू हो गई, मार्केट कैसे जाऊंगी अब? बस इसी तरह एक घंटा बारिश होती रहे तो आज स्कूल जाना कैंसिल। नाश्ता करके रेडी रहना, अगर बारिश रुक गई तो स्कूल जाना पड़ेगा। ये बारिश एक घंटा से पहले रुकने वाली नहीं है मम्मी। लो रुक गई बारिश। हाँ तो अभी आधा घंटा बाकी है तुम्हारा क्लास शुरू होने में। चलो रेडी हो जाओ, नाश्ता करो और स्कूल जाओ। और आते टाइम बाजार से बैगन लेते आना, रात को बैगन भाजा बनाऊंगी। ए ऊपर वाले, क्या मिला सुबह सुबह मेरे साथ प्रैंक करके? बारिश बरसाना ही था तो पूरा एक दो घंटा बरसा देते। आधा घंटा बरसा कर मेरे स्कूल टाइम में बंद होने की क्या जरूरत थी? यार ये बस आज आएगी कि नहीं? पता नहीं यार, 15 मिनट से खड़े खड़े पैर दुख गया। चल थोड़ा बैठ जाने। क्या तुम दोनों बस का इंतजार कर रहे हो? हाँ अंकल जी, अब यहाँ हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन तो आएगी नहीं, बस ही आती है तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। पहले बताना चाहिए था ना, वो आज बारिश हुई है ना तो बस बंद है। तुम लोग पैदल स्कूल चले जाओ, बस नहीं आने वाली। अगर आपको पता था कि बस बंद है तो 15 मिनट पहले जब हम लोग आए तो उस टाइम क्यों नहीं बताएं? मुझे लगा कि मेरी तरह ही तुम लोग सुबह की ताजी ताजी हवा खाने आए हो। आपके हवा खाने के चक्कर में हमारा तो हवा निकल जाएगा ना। चल आदि जल्दी चल, अभी से चलना शुरू करेंगे तो टाइम पर स्कूल पहुंच जाएंगे, वरना देर हो जाएगी। यार तू जंगल वाले रास्ते से क्यों लाया मुझे? अरे ये शॉर्टकट है, हम लोग जल्दी स्कूल पहुंच जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारा पेड़ भी है। हाँ तो? अरे वो मम्मी पैसा दी और बोली है बाजार से बैगन लेते आना। अरे भाई ये जंगल है, बाजार नहीं। वो मुझे भी पता है, मगर जंगल में बैगन का पेड़ तो होगा ना, उसी में से सोच रहा हूँ बैगन तोड़ लेने। और मम्मी जो पैसा दी है उसका क्या करेगा? अपने GF को गिफ्ट दूंगा। यहाँ स्कूल का देर हो रहा है और तुमको बैगन तोड़ना है? इतना सारा यहाँ पर पेड़ है, उसमें से बैगन का पेड़ कहाँ से ढूंढूं अब मैं? तो अकेले थोड़ी ढूंढेगा, मैं भी तो ढूंढूंगा ना। तुझे ढूंढना है तो ढूंढ, मैं जा रहा हूँ स्कूल। साला जलता है मुझसे, उसकी GF नहीं है ना इसलिए। अरे मानव सुनना यार, इतना जल्दी जल्दी क्यों भाग रहा है? क्योंकि मुझे जल्दी है और मुझे बैगन नहीं तोड़ना। अरे सुन तो यार, बैगन नहीं तोड़वाऊंगा। अरे बोल ना, गुस्सा क्यों है? मेरी GF है और तेरी नहीं है इसलिए गुस्सा है ना? नहीं अब चुप रहो, मुझे बात नहीं करनी। अच्छा तुझे भी GF दिलवा दूंगा यार, इतना उदास मत हो। मुझे नहीं चाहिए कोई GF। अच्छा तो तुझे लड़का में इंटरेस्ट है? चुप रहेगा तू, वरना मैं सर को बोल दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों लोग बुक निकालो, आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में हम लोग अर्थ यानी जमीन के बारे में पढ़ेंगे। क्या तुम लोग को पता है कि जमीन गोल क्यों है? उसकी मर्जी सर, हम लोग उसके मामले में टांग क्यों अड़ाए? हमारा भी तो शक्ल गोल है, कभी जमीन ने कुछ कहा? आदि तुम आंसर तो देते हो जो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारा आंसर सुनकर सामने वाला अपना क्वेश्चन भूल जाता है। कबीर तुम बोलो तो। सर जमीन असल में पूरी गोल नहीं है, नारंगी जैसी गोल है। अरे आंसर नहीं बाबा, क्वेश्चन बोलो, मैं क्वेश्चन भूल गया उसका आंसर सुन के। सर आपने पूछा था कि? अच्छा छोड़ो, रहने दो। क्या तुम लोगों को पता है जमीन साल भर में 365 बार घूमती है? अच्छा तो अब समझ आया कि रोज मेरा सर क्यों घूमता है। जमीन घूमेगी तो मेरा सर भी तो घूमेगा ना। कोई उस लड़के का मुंह बंद करो तो, पढ़ाने नहीं दे रहा है, उल्टा फुल्टा बकवास कर रहा है। जो जो आज पढ़ा रहे हैं वो कल सुनेंगे और उसी के हिसाब से मार्क्स भी देंगे, तो याद करके आना लोग सब।